कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल्स। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है, 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सुअर के मांस का रस मिलाया जाता है, बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल्स, सुअर के मांस का रस, सड़ा हुआ मैदा 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना। गाय का घी कान नाक में डालने के लिए मैंने बोला था, तो वो उत्तर दे चुका हूं, फिर रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि गलती ना करें। घी को हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं। गाय का घी नाक में डालने के लिए हमेशा हल्का गर्म करना है, ज्यादा नहीं। और एक ही बूंद एक नाक में, दूसरी बूंद दूसरी नाक। हां, एक बहुत अच्छा सवाल है, दैनिक जीवन में कौन सा नमक खाएं? सबसे अच्छा सेंधा नमक खाएं, और इसको याद ऐसे रखें, पत्थर वाला नमक खाएं, ये समुद्र के पानी का नमक कम से कम खाएं। पत्थर वाला नमक, एक तो सेंधा नमक है, दूसरा नमक है जो काला नमक है, ये आप ज्यादा उपयोग करें। मेरा तो कहना है कि आज से ही घर में नमक तो तुरंत बदल रहे, बदलते ही आपको असर दिखाई दे जाएगा। आपको जो तकलीफ है ना, ब्लड प्रेशर की, अर्थराइटिस की, ये नमक बदलने से ही बहुत आराम दे देगी आपको। तो सेंधा ही नमक। किसी ने कहा है कि गोमूत्र अर्क लेने में पहले दिन खराब लगा, 3 दिन खराब लगेगा, 3 दिन, 4th दिन से अच्छा लगेगा, तो छोड़े नहीं उसको। एक दिन खराब लगा, छोड़िए मत, दूसरे दिन भी लीजिए, तीसरे। गोमूत्र अर्क है ना, तो 1 चम्मच से ज्यादा मत लीजिए, और गोमूत्र प्योर है तो 1/2 कप लीजिए। किसी को प्रश्न है कि दिन भर नींद आती रहती है, क्या करें? वैसे तो नींद आए तो अच्छा है, लेकिन दिन भर नींद आए तो अच्छा नहीं है, तो क्या करें? इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में एक क्षार बहुत कम है, और ये वही क्षार है जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है चूने से। जिनको दिन भर नींद आती है वो चूना खाएं, मट्ठे में मिला के, छाछ में मिला के। नारियल का तेल बालों में जरूर लगाएं, किसी ने पूछा है, लगाएं? जरूर लगाएं। नारियल का तेल आप खा भी सकते हैं, क्योंकि आप चेन्नई में रहते हैं। अगर आप पटना में रहेंगे तो नहीं खा सकते नारियल का तेल, चेन्नई में रहते हैं तो जरूर खा सकते। मालिश करना चाहें जरूर करें। डायबिटीज के लिए क्या करें? डायबिटीज का जो सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया था, मेथी दाना और त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण माने हरदे, बहेड़ा, आंवला, 1-2-3 अनुपात वाला त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, मेथी दाना 1 चम्मच, दोनों मिलाकर गर्म पानी में रात को रख दें। सवेरे उठकर इस पानी को पी लें और उसमें जो कुछ है चबा के खा लें। 3-4 महीने नियमित करेंगे, ब्लड शुगर नॉर्मल आने की पूरी संभावना है। और नहीं आए 3-4 महीने में ब्लड शुगर नॉर्मल, तो एक मुझे ईमेल जरूर करें या फोन करें। शुगर खाना नहीं खाना, चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि यही अकेली चीज है जो पचती नहीं आसानी से, बाकी चीनी छोड़कर कुछ भी खाए। पथरी अगर है शरीर में, और थायराइड, थायराइड का सबसे अच्छा उपाय है धनिया पत्ता, है ना, धनिया पत्ता, इसकी चटनी, धनिया पत्ते की चटनी बनाइए, पानी में मिला के पी जाइए, पानी गुनगुना रहे। कितनी चटनी? 1 चम्मच चटनी, उसमें कुछ डालिए मत, नमक मिर्ची कुछ मसाला नहीं, खाली धनिया पत्ते की चटनी। और जब तक धनिया मिल रहा है तो ये हरे पत्ते की चटनी, धनिया मिलना बंद हो जाए तो सूखा धनिया। ये धनिया जो है ना, थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। पथरी, पथरी जिसको भी है वो चूना कभी ना खाएं, ये याद रख, कहीं भी शरीर में पथरी है तो चूना कभी ना खाएं। तो फिर क्या खाएं? एक दवा है पत्थर तोड़ दवा, क्या बोलते हैं आप उसको, पाखंड भेद, शोभा कांत जी के यहां वो दवा है पाखंड भेद, कहीं भी मिल जाएगा। तो आप इसका काढ़ा बना के पिए, ये जो पाखंड भेद है ना, इसका काढ़ा पानी में डाल के उबाल के, और ये दवा आसानी से होम्योपैथी में उपलब्ध है, और इसी दवा का होम्योपैथिक नाम है बर्बेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस। पाखंड भेद का बोटेनिकल नाम है बर्बेरिस वल्गेरिस। ये किसी भी होम्योपैथी की दुकान में मिलेगा, वो पूछेगा कैसे दूं, तो कहना मदर टिंचर में दो। ये कोई भी घर में रखिए आप, बिल्कुल निसंकोच इस्तेमाल करते हैं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इस दवा का। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर ऐसा बोलिए, तो ये हल्के गुलाबी रंग की होगी, डार्क कलर की भी हो सकती है। इसकी 10-10 बूंदें 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3-4 बार पिलाएं, 1-1.5 महीने में सारी पथरी टूटकर निकल जाएगी। और नहीं तो पाखंड भेद जो दवा मिले आयुर्वेद की, उसका काढ़ा बना के 15-20 दिन ले लें। काढ़ा जल्दी तोड़ता है पत्थर को, बर्बेरिस को समय ज्यादा लगता है। पानी में चूना मिला के पी सकते हैं, जरूर पीजिए,
पथरी वाले नहीं। दांतों का दर्द, दांतों के दर्द की सबसे अच्छी दवा है लौंग। लौंग इस्तेमाल करिए, लौंग का तेल इस्तेमाल करिए। और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो थोड़ा थोड़ा चूना खाते रहिए, और दांतों में दर्द हो ही नहीं तो दातुन करते रहिए, दंत मंजन करते रहिए। पेस्ट शराब और गुटखा छोड़ने के लिए क्या करें, जरूर आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, यह बहुत लोगों के काम। शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और बीड़ी, ये पांच बुराइयां व्यसन के रूप में हमारे घरों में आई हैं और देश का सर्वनाश किया है। इनके बचने के लिए बहुत अच्छा है संकल्प शक्ति से बचें तो अच्छा है। भागवत जी कहते हैं किसी भी व्यसन से बाहर आना हो तो संकल्प शक्ति के साथ आइए तो अच्छा है। नहीं है संकल्प शक्ति तो दवा का उपयोग करें। तो क्या दवाएं हैं आपके पास? सबसे अच्छी दवा है शुद्ध गाय का मूत्र, अर्क नहीं, शुद्ध गाय का मूत्र। दूसरी दवा आपके घर में है अदरक या सौंठ। जिनको शराब से छुड़ाना है, बाहर निकालना है, उनको एक और सौंठ ज्यादा खिलवाइए, रस पिलवाइए अदरक का, सौंठ का काढ़ा बना के दीजिए, गुड़ मिला के दे सकते हैं सौंठ का काढ़ा बना के, और गोमूत्र पीने को बोलिए। नियमित रूप से अगर आधा कप भी गोमूत्र पिया तो सवा महीने में शक छूट जाती। शराब जो पीते हैं, बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं, उनके शरीर में एक केमिकल बढ़ जाता है, उसका नाम है सल्फर। और सल्फर को कम करने के लिए सल्फर ही चाहिए। आयुर्वेद में कहा है ना कि विष को विष मारता है, तो सल्फर बढ़ता है, तो सल्फर कम करने के लिए बाहर से सल्फर चाहिए, और बाहर का सबसे अच्छा सल्फर गोमूत्र में है। सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम ज्यादा है, बार बार है, सबसे अच्छी दवा है, आप अगर बच्चों के लिए ले रहे हैं तो कफ दूर करना है उनका, कफ नाशक सबसे अच्छी दवा मैंने पहले दिन बताई थी शहद है। दूसरी शहद नहीं लेते तो गुड़ है, तो बच्चों को गुड़ दीजिए ज्यादा। एक उनको चूना भी दे सकते हैं, चूना कफ का भी नाश करता है, वात का तो करता ही है, कफ का भी करता है, तो चूना दे सकते हैं। गाय का घी नाक में डाल सकते हैं। हल्दी जबरदस्त कफ नाशक है, तो दूध में हल्दी मिलाकर दीजिए, और दूध हल्दी थोड़ा घी मिलाएं तो और भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो जिनको सर्दी जुकाम बार बार होते हैं उसके लिए। पित्त बढ़ा है तो क्या करें? देशी गाय का घी खाइए, देशी गाय का घी गरम गरम पानी में डालकर पिए तो सब पित्त को शांत करेगा। और दूसरी चीज मैंने पहले बता दी है, अजवाइन और काला नमक, ये भी पित्त बढ़े तो शांत करेगा उसको। एक मेरे पास डिफिकल्ट केस है, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से मिले। कोई एक महिला है, उसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है, ये मुझे शाम को मिले 4 बजे। बाल उड़ गए तो क्या करें, बाल कम हो गए तो क्या करें, बाल झड़ रहे हैं तो क्या करें? तीनों में एक उपाय है, दही को तांबे के बर्तन में रखें, 5-6 दिन खूब खट्टा हो जाए, हरा हरा हो जाए, तो इसको बालों में मालिश करें। 1 घंटे के बाद बालों को शीकाकाई से धोएं, हफ्ते में 1 दिन जरूर करें। त्रिफला शहद और गुड़ के साथ, सबसे अच्छा है गुड़ के साथ सुबह खाएं, और दूसरा चाहे तो शहद के साथ भी खाएं। त्रिफला को औषधीय के रूप में लेना है, औषधि ऐसी जो धातु वर्धक है, तो सुबह ही खाएं। और त्रिफला को रेचक के रूप में लेना है, माने पेट साफ करें, तो रात को